बस इतनी सी मेरी दुआ, लौटा दे हम सफर मेरा, जाएगा कुछ नहीं तेरा, तेरे ही दर पे हूँ खड़ा, जाऊँ तो जाऊँ मैं कहाँ, तकदीर को बदल मेरी, मुझ पे होगा करम तेरा। लिरिक्स की बात करें, किस तरह से लिरिक्स फाइनलाइज? मेरे ख्याल में एक्चुअली 3-4 महीने से हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो भी सॉन्ग्स या फिल्म्स आ रहे हैं उसमें मैं पब्लिक की रिएक्शन कहना चाहता हूँ कि अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एंजॉयिंग द सॉन्ग्स जो बाहर आ रहे थे। काफ़ी गाने बस आ रहे थे जा रहे थे, रिक्रिएशंस बहुत हो रहे थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड वाई देर नो ओरिजिनल सॉन्ग्स कमिंग, और फाइनली तेरे मेरे इज़ अ ओरिजिनल फ्रेश कॉम्पोजिशन बाय अमाल एंड द लिरिक्स आर बाय रश्मि विराग। I think it's a beautiful, beautiful song, and it comes like a breath of fresh air in amidst all the stuff that's happening today. And मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक गाना आया है मेरे लिए and all three of us. I'd like Amal to speak something about the composition and the lyrics and how he, you know, came together with this. कितने दिन लगे lyrics finalize करने और जो तेरे मेरे जो title है ये कैसे आपने सोचा? देखो आई विल टेल यू व्हेन वी वर गोइंग टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग ना, ये जो लड़का है ये बहुत ही हम्बल और बहुत ही पीसफुल ऑफ अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी। एक्चुअली ये जो हुक लाइन है ना, ले जा मुझे साथ मेरे, मुझको नहीं रहना साथ मेरे, ये इसी की हुक लाइन है, इसी ने लिखी थी एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल हुक लाइन। सो वी वीव द एंटायर सॉन्ग अराउंड इट, यू नो। तो तेरे मेरे दरमियान अभी सिचुएशन हम लोग को दी गई थी कि एक फादर सन रिलेशनशिप पे गाना बात करना है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे, हस्बैंड और उसके प्रोफेशन के रिलेशनशिप पे। So we had this very long debate ki the lyrics have to be so unique that they work in all the three situations. So this is how this song worked. Or Tere Mere was the beautiful opening line if you're talking about two individuals, their relationships and everything. So Tere Mere is obviously it sounds good. जब भी मैं इसके गाने गाता हूँ फाइट होता है हम लोग का एंड वो कहता है कि तू बकवास गाता है, ये लाइन फ्लॉप गाया है तूने, ऐसा अच्छा नहीं गाना है, मतलब He makes me feel inadequate as a singer sometimes. यानी full class ले लेते हैं। लेकिन इस recording के दौरान उसने मेरे को एक word भी नहीं कहा, ऐसे एक बार भी नहीं कहा कि ये गलत गाया, ये सही नहीं गाया। He came to the studio, he approved जो भी मैंने गाया था एक flow में सब approve कर दिया and ये एक ऐसा गाना है कि इसे parts में record नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी बार मतलब जब रिकॉर्डिंग्स के लिए जाते हैं हमें गाना पता नहीं होता है, लेकिन ये गाना मैंने बहुत टाइम तक ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर था तो एक मेरा एक हिस्सा बन गया था। सो व्हेन आई वेंट इनटू द स्टूडियो मैंने एक फ्लो में पूरा गाना गाया एंड इस वजह से वो इमोशन भरा है इस गाने में। कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है आपको? एक्चुअली सबसे टफेस्ट लैंग्वेज इंडिया में मलयालम है, वो थोड़ा सा एक टफ है, उनका ऐसा कुछ तो बीच में होता है वो समझ नहीं आता है। तो अगर मैं 40 मिनट्स में एक हिंदी गाना ख़त्म करता तो मेरे को 4 घंटे लगते मलयालम गाना
ख़त्म करने के लिए, क्योंकि डिक्शन थोड़ा सा उनका टफ रहता है. और इसी साल मैंने डेब्यू किया है मलयालम सिनेमा में भी. मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती सब में गा चुका हूँ अभी मैं इस साल. तो मुझे बहुत खुशी होती है कि म्यूज़िक का जो मतलब म्यूज़िक जो है उसकी बैरियर्स नहीं है लैंग्वेज के, तो वो कोई भी लैंग्वेज में यू नो पॉपुलर हो सकता है, लोगों से प्यार मिलता है उसका. और जो भी सिटी में मैं शहर में मैं अपना कॉन्सर्ट करता हूँ, मैं एक गाना तो उस शहर का या उस लैंग्वेज में गाता हूँ डेफिनेटली. हम 90s की बात करें, किशोर कुमार साहब की जब बात करें, तो जैसे अभी लिरिक्स अलग, कंपोजर अलग, सिंगर अलग. उस टाइम पे इतना नहीं हुआ करता था, लाइक सिंगर ही लिख भी लेते थे, कंपोज भी कर लेते थे. तो अब इस तरह के डिविजन जो डिवाइड हुए हैं अलग अलग, सिंगर अलग, कंपोजर अलग. नहीं, उस टाइम पे भी सिंगर अलग, कंपोजर. इसमें क्या है कि अब क्या हो गया फिल्मों में कि अलग अलग कंपोजर्स हैं, जो पहले नहीं होता था. पहले अगर एग्जांपल आर डी बर्मन साहब अगर एक फिल्म करते तो उस फिल्म के सारे गाने उनके होते. अभी क्या हो गया है, एक फिल्म में अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स है. जैसे मिथुन सर का एक हो गया गाना, अमल का एक गाना हो गया, या आई डोंट नो एग्जांपल जस्ट समवन एल्सेस सॉन्ग, ऐसा हो गया. अभी एक सिंगर होता था पहले के सारे गाने गाते. हाँ, वो भी अलग था. अब हो गया कि रोमांटिक अलग. आई थिंक ऐसा इट्स ओनली कि आप अच्छा कंटेंट डालोगे ना. इफ यू मेक अ गुड सॉन्ग, वो कोई भी गाए. आज वो सीन नहीं है कि एक नाम चलता है या किसी, आज सिर्फ काम चल रहा है. अगर कोई अच्छी आवाज़ हो, कोई अच्छी राइटिंग हो, अच्छा गाना हो, वो एक्सेप्ट हो जाता है. 7-8 साल पहले when someone wanted to make a debut या कोशिश करनी थी, स्ट्रगल करना था, तब नाम बहुत ज़रूरी था. आज एक लेबल हो या प्रोडक्शन हाउस हो, डायरेक्टर हो, अगर किसी के पास एक अच्छी कम्पोज, एक अच्छी कॉम्पोजिशन हो, अच्छे रिटन वर्ड्स हो, तो उनके साथ काम करने का मौका मिल जाता है, जो शायद पहले नहीं था. इसलिए तो द होल डायमेंशन इज चेंज. आज इतने सिंगर्स है, इतने कंपोजर्स है, इतने राइटर्स है, एंड आई थिंक टैलेंटेड लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है. सो मेरे को लगता है 80s और 90s से बेटर का दौर अब है. तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल. क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार.